ओके थैंक यू पार्थो जी फॉर सच अ नाइस वेलकम। और लाजवाब मीटिंग चल रही थी, वी आर सो एक्साइटेड टू सी। अभी अभय जी ने, मधु जी ने बहुत प्यारा प्लान लिया। दिस होल ऑरा ऑफ द मीटिंग इज वेरी गुड और लग रहा है कि बहुत लाजवाब मीटिंग हो रही है और यहाँ आने वाले लोग तो पक्की बात है स्पॉन्सर होके जाने वाले। सो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे एंड हम लोग राइट नाउ नोएडा से आपके साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों ने मतलब गाजियाबाद में अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन आफ्टर बीइंग डायमंड वी शिफ्टेड टू नोएडा एंड वी आर एंजॉयिंग लाइफ लाइक एनीथिंग। और हम आज एमवे के वो जो फ्रूट्स होते हैं, जो बीज हमने लगाए थे, आज उन फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले मैं चाहूंगा प्रियंका आपके साथ बात करें। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ प्रियंका और होम मेकर हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है और हस्बैंड के साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं बताऊँ, कॉन्ग्रेचुलेट करूँ कि अभय जी ने और मधु जी ने बहुत जबरदस्त प्लान दिखाया है। मैंने जब इस प्लान को पहली बार देखा था तो बोर्ड पर देखा था और मुझे पता है बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इस प्लान को बोर्ड पर ही देखा था, तो मैंने पहली बार आज जो आपने स्क्रीन पर देखा है। सो जब पहली बार बोर्ड पर प्लान देखा था तो बिजनेस प्लान के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया था। कैलकुलेशंस समझ आ रही थी बट जैसे बात हो रही थी कि हमें डाउट पर बहुत ज्यादा फेथ होता है। सो डाउटफुल थी मैं और बट बिजनेस प्लान के अंदर जैसे बात हो रही थी एक्स्ट्रा इनकम की और उस एक्स्ट्रा इनकम से पूरे होने वाले ड्रीम्स थी, उस भाषा ने कहीं क्लिक किया था। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को वो भाषा कहीं ना कहीं क्लिक करती है, स्पेशली लेडीज को। एंड थैंक गॉड हमने सफल लोगों को देखा, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि थैंक गॉड सफल लोगों को देखा, क्योंकि अदरवाइज किसी भी चीज को देखने का हमारा अपना नजरिया होता है, हम अपने नजरिए से देखते हैं। बट जैसे ही किसी चीज को हम सक्सेस के दृष्टिकोण से देखते हैं, सक्सेस के नजरिए से देखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इस तरह के सक्सेसफुल लोगों को देखा जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड थे, हमसे ज्यादा अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुल थे, हमसे ज्यादा मनी अर्न कर रहे थे, इवन देन वो लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे थे। तो एक चीज समझ आई थी कि जितना कहीं मुझे समझ आ रहा है उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल इस बिजनेस का है। सक्सेसफुल लोगों से हमें बड़ा विजन मिला, बड़ा फेथ मिला और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसी प्लान के थ्रू बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था और उसके साथ ही हम लोगों ने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया था। और बिजनेस को तो शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का डिसीजन था और बीइंग एन आइडियल वाइफ ये एक चीज थी कि हस्बैंड ने अगर शुरू किया है तो उसको मना नहीं करना है। ऑल्दो मेरे को बिजनेस को लेकर बहुत सारे डाउट थे, लेकिन एक चीज थी, एक फेथ था कि मेरे हस्बैंड ने अगर कोई काम शुरू किया है तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो उस पर फेथ था। और लाइफ में हमेशा आप एक चीज देखिएगा, फेथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जिस भी चीज पर फेथ करते हैं वो चीज आपके लिए काम करती है। बिजनेस प्लान को जो बहुत बड़े लोग पहली बार देखते हैं तो फेथ नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बहुत आमतौर पर नहीं देखते, जिसके लिए बहुत यूजफुल नहीं होते, उसके लिए शायद हमें फेथ आसानी से नहीं आता। हम बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोगों को कार चलाते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम एरोप्लेन चलाते हुए नहीं देखते, तो उतना आसानी से फेथ नहीं होता। तो शुरू में फेथ नहीं था लेकिन हस्बैंड पर फेथ था। लेकिन जैसे ही हम माहौल का पार्ट बने तो एक चीज समझ आई कि फेथ एक बड़ी चीज है और अगर हम इस बिजनेस के अंदर फेथ करते हैं तो इस बिजनेस से मिलने वाले रिवार्ड्स को ले सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर सक्सेस का, जो सक्सेसफुल लोग थे उनको एसोसिएट करना शुरू किया, क्योंकि एक चीज तो है, अगर आप सक्सेस का फ्रूट चाहते हैं तो आपको सक्सेस के लिए उसका, उस फ्रूट के लिए आपको उसको एनवायरनमेंट भी देना होगा। क्योंकि अगर हमें सेब चाहिए तो हमें सेब का एनवायरनमेंट चाहिए, अगर हमें टमाटर चाहिए तो हमें टमाटर का एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर हमें सक्सेस चाहिए तो क्या हमें सक्सेस का माहौल नहीं चाहिए? डेफिनेट सी बात है, हमें सक्सेस का एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे अगर एक आम की गुठली है वो अगर आपके ड्राइंग रूम में रखी है तो वो आम नहीं देने वाली, लेकिन उसी को अगर आप अपने गार्डन में जाकर लगा देते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, तो वो एक दिन पेड़ बनकर आपको आम का फल दे सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हैं। सो इसी तरह से सक्सेस के लिए भी है, किसी भी काम के अंदर एहसास की तरह एमवे बिजनेस के अंदर भी, कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें सक्सेसफुल एसोसिएशन का पार्ट बनना होगा। ये चीज मुझे समझ आई क्योंकि हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था और किसी भी बिजनेस के अंदर एक ही चीज होती है, बड़ा पैसा लगाना, कमाना है तो आपको बड़ा पैसा लगाना होगा। बट एमवे बिजनेस के अंदर बात हो रही थी घर के खर्चे को रिप्लेस करके एक बड़ी इनकम आप यहाँ पर ले सकते। तो शुरू में समझ नहीं आ रहा था बट एक चीज समझ आ रही थी कि अगर इतनी आसानी से बिजनेस हो सकता है तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए।
तो सक्सेसफुल एसोसिएशन का पार्ट बनना शुरू किया बिजनेस के अंदर। उसी चीज ये समझ आई कि बीइंग अ लेडी, एक फैमिली बिजनेस है, तो बीइंग अ लेडी मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर हमारे अपने बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट आते हैं तो उनको इस्तेमाल करना मेरी पहली बोलूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये मेरा पहला ऐसा काम है जो मुझे करना होगा। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर अगर कोई लेडी है और उनका अपना बुटीक है तो वो ऑब्वियस सी बात है अपना सूट कहाँ से लेंगे, अपने बुटीक से लेंगे। अगर वो नहीं लेती हैं तो सीधी सी बात है, या तो उनको अपने बुटीक पर फेथ नहीं है, उसकी क्वालिटी पर फेथ नहीं है, या कॉमन सेंस नहीं है। सो उतनी कॉमन सेंस हमारे अंदर थी कि अगर अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं तो उन्हें इस्तेमाल करना है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स थे जो इको फ्रेंडली थे, एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। तो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के लिए फेथ डेवलप होना शुरू हुआ। बट लोगों से बात करते थे तो लोग ये बोलते थे कि कहाँ फंस गए, और फिर कहीं ना कहीं डाउट आता था, और हम लोग फिर उस सक्सेसफुल एसोसिएशन का पार्ट बनते थे और अपने ड्रीम्स को सामने रखते थे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जैसे बात की जाती है, ना कोई आपका बॉस है ना ही किसी तरह का लॉस है, क्योंकि घर का खर्चे से आप शुरू करते तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही लोग बोलते थे तो कहीं ना कहीं वो लगता था कि कैसे होगा। और मुझे शुरू में एक चीज बहुत ज्यादा डिप्रेशन देती थी कि हम लोग काम करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, एक टीवी निकल कर आता है, बिजनेस वॉल्यूम निकल कर आता है, और जैसे ही एक तारीख होती है वो बिजनेस वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो मुझे लगता था कि 10,000 टीवी कैसे होगा, हम पूरे महीने मेहनत करते हैं। ये हमेशा हमसे बोलती थी 10,000 पीवी कैसे करेंगे हम लोग, इसमें तो शायद पूरा जज्ब निकलने, क्योंकि जैसे ही एक तारीख होती है वो पीवी जीरो हो जाता है। तो वो चीजें, वो चीज बड़ा डिमोटिवेशन सा देती, लगता था कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन जब बिजनेस के अंदर समझ आया कि जो मैजिकल जो बिजनेस की सबसे बड़ा मैजिक है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, अगर आप जो करते हो वो किसी और को आपने करना सिखा दिया तो इस बिजनेस के अंदर हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीजें समझ आई, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किया, मीटिंग्स का पार्ट बनी और लोगों से बात करते करते रहे। बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने बात की जिनको हम जानते थे और लोग बोलते थे कहाँ फंस गए, नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट हम लोग अपना जो जैसे आज आपने प्लान दिया ना, उन प्लान्स पर टिके रहे, उन प्लान्स को शो करते रहे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते थे वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं आए, लेकिन आज की डेट में बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम कभी जानते नहीं थे वो हमारे बिजनेस का पार्ट है। उनके साथ मिलकर हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग इस बिजनेस के टिप्स को एंजॉय कर रहे हैं। सो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अभी आपने मधु जी से सुना बिजनेस के रिवार्ड्स के बारे में, तो थोड़ा सा बताऊंगी कि हमें क्या इस बिजनेस के अंदर मिला। बहुत बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है इस बिजनेस का। बीइंग अ लेडी अगर मैं बात करूं तो एक एक माइंडसेट मिला लाइफ में आगे ग्रो करने का, अदरवाइज शायद अपना हमारा अपना ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस था, बट उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम फैमिली में बिजी हो जाते हैं तो टीवी है, सीरियल्स है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हावी होने लगती हैं और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है कि वो मेंटल ग्रोथ जो है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्रो करने में बहुत मदद करता है। बहुत अच्छे मनी को आज एंजॉय कर रहे हैं। कोविड के टाइम में जो बात की जाती थी, जैसे लोग बोलते थे कि ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया कि कितनी पावरफुल पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। जो बात की जाती है दुनिया घूमने की, वो मौका इस बिजनेस ने हमको दिया। हमारा अपना बिजनेस हमें इतना बांध कर रखता था कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाजियाबाद से दिल्ली जाने की सोचते थे। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से हमारा बिजनेस एसोसिएटेड था और हमें लगता था कि बिजनेस का काम भी हो जाएगा और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आज हमारे ऑलमोस्ट 2 पासपोर्ट पूरे भर चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल करे हैं और बचे हुए कंट्रीज हमें पता है हमें घुमा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यकीन मानिए हमारे सर्किल के अंदर भी कुछ लोग हैं जो जाते हैं, ट्रिप्स पर जाते हैं, जो घूमने के शौकीन है। आपके डायमंड लीडर पार्थो जी और नंद जी, वो मैं बोलूंगी घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन है। हमने हर ट्रिप पर उनको देखा है कि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिप एक्सटेंड कराते हैं। सो हम लोग उतना शौकीन नहीं थे, बट इवन देन इस बिजनेस से मिलने वाले इस रिवार्ड को हम एंजॉय कर रहे हैं। एमवे के जो ट्रिप होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस एमवे हमारे लिए अरेंज करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स एमवे हमारे लिए अरेंज करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड एमवे हमारे लिए अरेंज करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एंटरटेनमेंट है वो हमारे लिए एमवे अरेंज करके देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, बट एक बार आप एमवे का लीडरशिप सेमिनार अटेंड करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है, दुनिया में कितनी क्वालिटी है, और हमारे एमवे के प्रोडक्ट जिनके अंदर जो अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है वो हमें कहीं और से भी पॉसिबल नहीं है वो मिल पाना। सो बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। और मैं सिर्फ एक छोटे से स्टोरी के साथ इस अपनी बात को खत्म करूंगी। एक बार क्या होता है, दो पड़ोसी होते हैं और एक एक ने जो पड़ोसी होते हैं वो दूसरे पड़ोसी के यहाँ
एक्सप्रेस मांगने के लिए जाते हैं, सी मांगने के लिए जाते हैं। सो जो जिनके यहाँ वो जाते हैं तो वो नॉक करते हैं और कहते हैं मेरे को आपकी प्रेस चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं मेरी बीवी जो है वो सांभर बड़ा बना रही है, तो वो वापस आ जाते हैं। तो जिन नेबर के यहाँ वो मांगने के लिए गए थे उनकी वाइफ ने पूछा कि उन्होंने प्रेस मांगी थी आपको दे देनी चाहिए थी, सांभर बड़ा मैं बना रही हूँ, तो इस बात से क्या मतलब हुआ, आपने मना क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला। कहते मेरे को अगर प्रेस नहीं देनी थी उनको, स्त्री नहीं देनी थी, तो मैं कोई भी बहाना बनाऊं। सो एमवे बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग मना करते हैं, लोग कन्विंस नहीं होते, बट यकीन मानिए अपनी ड्रीम्स को एक बार सामने रखिए, आप खुद को कन्विंस कीजिए, इस जैसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी कोई दूसरी इस धरती पर नहीं है। ड्रीम्स को सामने रखिए, बहुत सारे एमवे के ट्रिप्स आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारा एमवे का पैसा आपका वेट कर रहा है। विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। ओके थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। और हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग इस बिजनेस में जैसे बाकी लोग आते हैं वैसे बाई चांस आए, क्योंकि हमने कोई प्लान तो किया नहीं था कि हमें एमवे बिजनेस में आना है। हमारे कंप्यूटर सेंटर पर सचिन शर्मा जी जॉब किया करते थे, पहले वो हमारे स्टूडेंट थे फिर जॉब किया करते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कहीं से और उन्होंने फिर हमारे साथ शेयर की और हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने का रीजन ये नहीं था कि समझ आ गया था, स्टार्ट करने का रीजन ये था कि 4-5 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं तो मना क्या करें। उनका भी किट हमने लिया था क्योंकि उनको सैलरी हम देते थे, बोले सर एडवांस दे दो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है फिर आपको स्टार्ट करना है। सो एक अजीब से तरीके से स्टार्टिंग हुई और ये भी नहीं समझ आ रहा था कि बिजनेस क्या हमने ज्वाइन किया। देखो इनिशियल लेवल पर एमवे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि किसी को ये समझ ही नहीं आता कितना बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और वो बड़ा क्या मतलब ज्वाइन किया है वो तब समझ आता है जब वो किसी सेमिनार में जाता है, जब वो किसी बड़े प्रोफाइल को सुनता है, जब वो एमवे की सक्सेस को देखता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने एक सेमिनार अटेंड किया, हमारी अपलाइन ने काम बड़ा बढ़िया किया कि हम एक सेमिनार में लेकर गए, वहां हमने देखा कि हम लोग कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, हम बच्चों को डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के वो कोर्सेज कराते थे और वी वर डूइंग वेल, जो भी जैसे एक होता है कि उस समय पर ठीक ठाक काम चल रहा था। और जब हमने वहां देखा तो हमारे दिमाग में पहली चीज आई कि हम समझते हैं कि कोई यूएस चला जाता है तो बड़ा सक्सेसफुल है और यूएस जाके भी कोई आईटी प्रोफेशनल ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं और कोई वहां पर भी जाके अपनी जॉब छोड़ के एमबीए के थ्रू फ्री हो जाए, इसका मतलब कुछ तो है। और वो कुछ तो है ने हमें ओपन कर दिया और उसके बाद हमने सीखना और समझना शुरू किया। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि बिजनेस एक्चुअली क्या है, समझ ही तब आता है कि जब वो कुछ देख लेते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा बहुत सारे सीडीज या जो भी आपके जिन्होंने आपको बुलाया उनसे मांगे, क्योंकि तभी समझ आने वाला है कि है क्या। और अगर ये समझ आ गया तो फिर इसके बाद ये आपकी जिंदगी में एक आमूल चूल परिवर्तन लेकर आएगा। हमारी बिजनेस में भी यही हुआ, हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था कंप्यूटर्स का, मैंने बताया वो ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये बिजनेस आया तो एक भूचाल सा, हम लोग एक अलग सी मानसिक अवस्था में आ गए थे। हमारी तब नई नई शादी हुई थी, बेटी थी छोटी, तो कंप्यूटर सेंटर का भी काम था, एमवे बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, रात को नींद में भी हड़बड़ा जाते थे, ऐसे लगता था कि नींद में प्लान दिखा रहे हैं, नींद में प्लान दिखा रहे हैं, नींद में पेस मीटिंग्स कर रहे हैं। तो वो जो एक दीवानापन था ना, वो जो एक बेचैनी थी, उसने हमारा बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। 2 महीने बिजनेस समझ नहीं आया तो स्टार्ट करने की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके बाद 12-15% जाने में 6 महीने लगे, लेकिन 1 साल के अंदर सिल्वर चले गए, 2 साल के अंदर नए एमरल्ड चले गए। सो आई थिंक अगर एक बार समझ आ जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप मान लो तो हार है, ठान लो तो अगर आप ठान लो तो हार नहीं, मानते हो तो हार है। तो हमने ठान लिया कि नहीं हम इस बिजनेस के अंदर सफल होंगे, तो 3 साल के अंदर अंदर हम अपने कंप्यूटर के काम से फ्री हो गए। कंप्यूटर का काम वो हमें लगता भी था कि हमें उसकी टाइप को चेंज करना पड़ेगा, तो लकीली हमें बिजनेस मिल गया, क्योंकि वो काम जो हम कराते थे आज बच्चे 5th-6th class में पढ़ते हैं, तो जो चेंज था हमारा बाय चांस हो गया, अदरवाइज हमें कोई चॉइस नहीं थी, चेंज करना ही करना पड़ता। सो वी से कि उस समय हमें नहीं पता था कि वी आर लकी, लेकिन आज हमें पता है कि वी वर लकी कि उस समय हमें ये बिजनेस दिखाया गया।
यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको भी बोल रहा हूं कि आज आप जो बिजनेस देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि किसी ने आपको अगर ये बिजनेस दिखाया है तो कितना बड़ा काम किया है। शुरू में तो लोगों को जब आते हैं तो यही लगता है कि शायद हम जिसके द्वारा बुलाए गए हैं उस पर हमने कोई एहसान कर दिया, लेकिन एक्चुअली स्टोरी इज अदर वे राउंड, यानी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये समझ बाद में आता है। मुझे लगता है ओपन माइंड होना इस बिजनेस की सबसे बड़ी सक्सेस की शुरुआत है। और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस, इस जर्नी के अंदर हमारे साथ हुई। तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, किस तरह से शुरुआत हुई, बिल्कुल हम ऑर्डिनरी आप ही की तरह से थे, और हमने वहां पर एक बड़ी कमाल की चीज देखी कि सारे लोग हाँ नहीं बोलते। हो सकता है लखनऊ में और आपके ईस्टर्न एरिया में सारे लोग हाँ बोलते हो जिनको आप दिखा देते हो, लेकिन दिल्ली और अराउंड आसपास सारे लोग हाँ नहीं बोलते थे। और इवन जो हमारे स्टूडेंट हमारे मतलब ऑफिस के बाहर वेट करते थे, वो भी कई बार चकमा देकर चले जाते थे, हाँ नहीं बोलते थे। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोगों को समझ क्यों नहीं आता। एक्चुअली जब 2 महीने हमें समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हमें समझ आ गया तो हमें लगा कि सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि हमें समझ आ गया। और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। ये बिजनेस ये समझ लीजिए कि जिसकी भी जिंदगी में वो कुछ खास करना चाहता है उसको समझ आने वाला है। आपको पता है एक सिस्टम जो होता है, जैसे एक रेलवे का सिस्टम है, उन्हें भी पता होता है कि अगर एक 20 डब्बों की ट्रेन बनाएंगे तो उसमें से 4 डब्बे एसी के काफी हैं, क्योंकि 20% लोग आम आदमी मतलब खास आदमी की तरह जीना चाहते हैं और 80% लोग आम आदमी की तरह जीकर खुश हैं। तो हमें समझ आ गया धीरे धीरे करके कि ना जो है वो इस बिजनेस में अवश्यम भावी है, जरूरी है, बिकॉज उस ना से ही हमें अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मुझे तो लगता है उस ना की वजह से हम आज यहाँ 2021 में बैठकर बात कर रहे हैं। अगर सारे के सारे लोग हाँ बोलने लगते तो ये बिजनेस 1998 में ही समाप्त हो जाता। तो आई थिंक हमें उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें उस समय ना बोला था, क्योंकि उस ना की वजह से ही हम थोड़ा आगे बढ़ पाए। सारे के सारे लोग तब हाँ बोलते तो क्या होता। इस ना का महत्व समझिए, और ये समझिए कि हर किसी को समझ आने वाला नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस में महानता है। हर किसी को समझ आ जाए तो फिर तो नॉर्मल सी चीज है ना। नेक्स्ट थिंग इस बिजनेस में जो मुझे खास बात लगी वो ये लगी कि यहां पर आपके पास कोई ना कोई लाइफ कोच है, मेंटर है, जो आपको इस बिजनेस को गाइड कर सकते। आज मैं भी जो बता रहा हूं, आज हम लोगों ने जो बताया, अगर आपको उसमें कुछ भी नया लगता है तो आप स्टिल आपके पास एक व्यक्ति है जिससे आप पूछ सकते हैं कि साहब ये बात बताएगी क्या, शुड आई इंप्लीमेंट और नॉट, या ये बात बताएगी थी ठीक है नहीं है। सो मेंटर इज एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताता हूं, एक राजा ने एक सोने के पिंजरे में तोते को रखा हुआ था। एक पंडित जी वहां पर कथा करा रहे थे, तो वो जो तोता था वो बोलता था, जब पंडित जी कथा करा रहे थे कि वो पंडित जी बोलते थे हरी मिले तो बंधन छूटे, हरी मिले तो बंधन छूटे। तो वो जो तोता था बोलता पंडित झूठा, पंडित झूठा, पंडित झूठा है। अब पंडित जी परेशान हो जाते थे, बोलते थे ये तोता सारी जगह किरकिरी करा देता है। अब पंडित जी ने जो है, एक्चुअली पहले कभी पंडित जी के पास वो तोता था और वो बोलने वाला तोता था, तो किसी को बड़ा पसंद आया, उसने पंडित जी से ले लिया, पंडित जी से ले लिया। उसके बाद वो उसने उसे चांदी के पिंजरे में रखा, उससे उसे लगा कि राजा के बर्थडे पर मैं राजा को गिफ्ट कर देता हूं क्योंकि बड़ा अच्छा बोलने वाला तोता है, तो राजा ने उसे सोने के पिंजरे में रख लिया। अभी जब पंडित जी को बार बार यही परेशानी आने लगी तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी ये परेशानी आ रही है क्या करूं। अब राजा की उस सभा में हमेशा तोता होता है, मैं करता हूं और मेरी कथा में ये ऐसे बोलता है। तो पंडित जी ने तोते से पूछा भाई क्या कारण है। उसने कहा जी देखो ऐसा है, मैं हवा में स्वच्छंद विचरण करता था, मैं उड़ा करता था। एक दिन मैंने पंडित जी के आश्रम के ऊपर से उड़ान लगाई, यहां पर ये बोल रहे थे हरी मिले तो बंधन छूटे, मैंने भी बोलना शुरू किया, तो इनके एक शिष्य को मैं बहुत पसंद आ गया और उसने मुझे पिंजरे में डाल दिया और मैं तब से ही पिंजरे में हूं। तो पंडित जी गलत बोल रहे हैं ना कि हरी मिले तो बंधन छूटे, मैंने ये बोला तो उल्टा मैं बंधन में आ गया। तो पंडित जी के गुरु जी ने
तोते के कान में कुछ बोला। अब जब तोते के कान में बोला तो तोते ने अगले दिन सुबह वही किया। अगले दिन सुबह देखा उन्होंने तोता जो है बिल्कुल एकदम बेहाल निढाल सा पड़ा हुआ था। तो उन्हें लगा तोता गया। तो राजा को उन्होंने बोला, जो भी सेवक थे, कि महाराज तोता तो ऐसे पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला ऐसा करो, पिंजरा खोलो और उसे फेंक दो। तो जैसे ही उन्होंने पिंजरा खोला तो तोता उड़ गया, और उड़ते उड़ते उसने बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। क्योंकि पंडित जी ने उसके कान में सिर्फ यही टेक्निक बताई थी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत इस बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप सुनते हैं, कोई सीडी सुनते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन कई बार सब चीजों को फाइन ट्यून करने के लिए आपका जो मेंटर होता है वो छोटी छोटी चीजों से आपको फाइन ट्यून करा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद इस बिजनेस के अंदर जो मुझे लगता है, जब हम शुरू करते हैं तो हमारा विश्वास छोटा होता है, और जब हम उसी विश्वास के साथ लोगों से बातचीत करते हैं तो जिससे बातचीत कर रहे हैं उसका विश्वास बहुत बड़ा है कि नहीं चलता। हमारा छोटा सा विश्वास है कि शायद ये चल जाएगा, ठीक है ना। तो जीत किसकी होती है? हमेशा विश्वास की होती है। तो क्या होता है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, और अगर हमारा विश्वास उस स्तर पर आ गया जो सामने वाले का स्तर है कि ये नहीं चलता, उससे बड़े स्तर पर आ गया, तो लोग हमारी साइड होंगे। ये सुनो, क्योंकि जीत हमेशा विश्वास की होने वाली है, और अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो गेम उसका होगा। आपको सचिन तेंदुलकर का एक एग्जांपल बताता हूँ। 1989 में उन्होंने एंटर किया क्रिकेट के अंदर, एंड यू नो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड बोलते हैं, आप सब जानते हैं। तो क्यों बोलते हैं, आप ये समझिए कि सचिन तेंदुलकर ने जब पहला मैच स्टार्ट किया तो वो मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, और उस मैच में सचिन की जो एज थी वो सिर्फ 16 साल थी, और पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, और ये छोटा सा बच्चा 16 साल का जब ये खेलने के लिए पिच पर आया तो कमेंटेटर बोल रहे थे कि माय गॉड, हाउ दिस स्मॉल बॉय विल यू नो फेस द फास्ट बॉल्स प्लेयर्स। तो वकार यूनुस ने पहली बॉल फेंकी और वो बहुत तेज बॉल थी, हल्का सा बाउंसर हुई और उसके नाक पर लगी, और सचिन तेंदुलकर नीचे लेट गए। इतनी देर में 12th मैन आया, और उसमें जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट थे वो आए, आइस पैक लगाया गया, और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन यह है कि चलो आप रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, फिर बाद में ठीक फील करोगे तो आ जाना। तो सचिन तेंदुलकर के नाक से हल्का सा खून बह रहा था, और उसने हाथ रखा इस तरह से, और उसके बाद वो खड़ा हुआ, और उसके बाद उसने बोला मैं खेलेगा। और जिस समय उसने बोला था ना मैं खेलेगा, उसी दिन क्रिकेट की दुनिया का एक भगवान पैदा हो गया था। द डे आपको हिट हुआ, द डे आपको शॉट लगा, और उसके बाद आपने खड़े होकर बोला कि मैं तैयार हूं, मैं आगे निकलूंगा, मैं चलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन कोई नया एमरल्ड, कोई नया डायमंड एंड कोई नया एडीसी डबल डायमंड और क्राउन पैदा होते हैं। एक्चुअली ये ना तो मिलने वाली, किस काम में नहीं मिली है? बेटी का रिश्ता देखने जाते तो ना मिलती है, तो कोई भी काम करते हो, नौकरी के लिए आवेदन करते हो तो ना मिलती है, कितनी चीजों में मिलती है। और एक्चुअली हमारा सफल होने का एक बड़ा कारण है कि कंप्यूटर सेंटर पर हमें पहले से ही पता था हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, और उनमें से कुछ ही लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमें पहले पता था कि ना मिलने वाली है, और उस ना से हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी होते थे, फिर भी डर लगता था। जब अपना लैंडलाइन फोन से लोगों को कॉल करते थे तो जब कॉल बनाते थे ना इस तरह से करके 716, तो कॉल करते करते अंदर दिमाग में आता था यार ये फोन नहीं उठाए, जबकि हमें पता है कि वो फोन उठाएगा तभी हम बात करेंगे, तभी हम सफल होंगे, लेकिन अंदर से कोई डर होता है। और जिस दिन आप उस डर पे जीत पा लेते हो ना, उस दिन आप एक विजेता के रूप में निकल के आते हो। एक्चुअली ये बिजनेस सिर्फ वो उस ना से हां तक के बीच के सफर का बिजनेस है। यू नो आप तैयार हैं लोगों की ना सुनने के लिए तो कोई ना कोई दिन आपको हां मिलेगी, क्योंकि सामने वाले हर आदमी को नहीं पता है ना कि आप उसे क्या दिखा रहे हो, आपको उसकी हां तक आना है।
मुझे लगता है कि वो अपने आप में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जब हम इस बात के लिए कंफर्टेबल होंगे कि बहुत सारे लोग ना बोलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो इतना तक हुआ कि लोगों ने उस समय पर किट आती थी और लोगों ने किट के पैसे दे दिए, हमारे पास किट आ गई और हम बोल रहे हैं उनसे फोन करके कि भाई आपकी किट आ गई और वो किट लेना नहीं आ रहे। हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि लोगों को लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हमें तो बिजनेस नहीं करना, मेरे प्लान देखो, मेरे प्लान देखेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे। तो हमें समझ आ गया कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए हैं कि जो ना बोलने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से हाँ भी निकलती है। तो हम उस हाँ, हमें कितनी हाँ चाहिए थी, नो हम लोगों ने पहली हाँ अपने घर से ले ली, हमारे बड़े ब्रदर इस बिजनेस के अंदर आ गए, हमने दूसरी हाँ अपने कंप्यूटर सेंटर जो हमारे कंप्यूटर रिपेयर होते थे वहां से ले ली, हमने तीसरी हाँ चौथी हाँ अपने कंप्यूटर सेंटर से ले ली। जहां पर हम हैं, हम लोगों के बीच में हैं, हम घिरे हुए हैं, तो वहीं से तो हम लोग निकाल वो लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं और वहीं से लोग आते हैं। पहले ही महीने के अंदर हमने 11 लोगों को स्पॉन्सर किया था, पहले ही महीने के अंदर हमें 4 लेग मिल गई थी, 5वीं 6ठी भी खोल दी थी, लेकिन आपको पता सारे के सारे लोग तो इस बिजनेस के अंदर नहीं वर्क करते। एंड देन इस बिजनेस में हमने ब्रिट वर्ल्ड वाइड को जब यूज करना शुरू किया, जब सीरीज यूज करने शुरू करी, जब हमने बुक्स पढ़नी शुरू करी, तब हमारी पर्सनैलिटी बदली और उसी के बाद चीजें बदलना शुरू हुई। आपने सुना होगा, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो हमारी थोड़ी सी वो मेंटल डायरेक्शन चेंज हुई और काम होना शुरू हो गया। और आप में मुझे लगता है यहाँ कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो विजेता ना छुपा हो, आपके अंदर भी तो वो विजेता छिपा हुआ है, आपके अंदर भी वो सब कुछ है। ALS की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वो कॉमन ड्रीम्स होते हैं, लीडरशिप सेमिनार्स हमारे लिए बड़े कॉमन ड्रीम होते हैं। अभी इस्तांबुल में हम जब गए थे तो सोनू निगम को बुलाया गया था, 7 दिसंबर 2019 को सोनू निगम वहां पर लाइव हमारे लिए परफॉर्म कर रहे थे। और हमें 7 दिसंबर क्यों ध्यान है, ऐसा नहीं हमें डेट ध्यान रहती है, उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन हम आप समझिए पहले तो हम इस्तांबुल की मार्केट में प्रियंका वॉज फ्री टू शॉप एंड देन उसके बाद, वैसे तो हमेशा फ्री रहते हैं, बट उसके बाद फिर हम पहुंचे और गाला पार्टी, गाला डिनर, आप सोच के देखो। So, वो अपने आप में एक इस तरह का फीलिंग था, वो बहुत लाजवाब फीलिंग था। और उसी दिन फिर बहुत सारे एक कमाल की फीलिंग थी। उस दिन वहां बहुत सारे ऐसे लोगों का भी फोन आया जिन्होंने बिजनेस के लिए मना कर दिया था। बिलीव मी, कितने लोगों ने मना किया था जो आज कहते हैं हमें, अरे हमें पता था तुम कर लोगे, तुम ठीक हो बातचीत करने में इसलिए तुम कर लोगे। आपको वो होना पड़ेगा इस बात के लिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए तो ये बिजनेस ऑफर कर रहा है, तो आपको मैसिव एक्शन डाल के आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करके वो निकालना पड़ेगा। इत्तेफाकन हमने पार्थो जी आपके साथ तो हमने बहुत वक्त निकाला है फॉरेन ट्रिप्स पे, और अभी हम कहाँ गए थे, दुबई। हाँ, दुबई में हम कहाँ थे, वो अल अरब एक 7-स्टार होटल अल अरब की एक टेबल, वहां पर हम डिनर कर रहे थे, वहां एक शो चल रहा था, वहां पर अगर बाथरूम में जाओ तो पानी की जो टोंटी होती है ना वो भी सोने की थी। तो हम लोग डिनर कर रहे थे, ऑफकोर्स उस डिनर में हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अपनी रोटी चपाती दाल तो थी नहीं, लेकिन वहां बाद में जो डेजर्ट आया था उस पर 24 कैरेट की वो लगी हुई थी, सोने की, गोल्ड की। हाँ, और बस हमने कहा यहाँ गोल्ड तो जितना खा सकते खा लें। और फिर बाद में हमने पता किया था कि एक टेबल की कॉस्ट एक फैमिली के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर पड़ रही थी, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ। तो वो हम लोग एंजॉय कर पाए। हम सिंगापुर गए थे तो सेंतोसा आइलैंड में रुके थे, वहां पर भी हम रुके थे रासा शंग्रीला, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन सेंतोसा। अगर हम दुबई में रुके थे तो हम वहां भी दुनिया के टॉलेस्ट होटल में रुके थे। उससे पहले जो टॉलेस्ट होटल था, उससे पहले टॉलेस्ट होटल सिंगापुर में स्विस होटल था, वो भी एमवे में हम रुके थे, एमवे ने हमें वो ट्रिप दिया था। और कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है आपकी सोच का और बोलने का। स्विट्जरलैंड में
जब हम स्विट्जरलैंड का ट्रिप अनाउंस हुआ था तो हमने कहा हम स्विट्जरलैंड जाएंगे ना तो आप बर्फ के गोले मारेंगे अपने सारे सब एक दूसरे को। तो जब हम माउंट टिटलिस गए तो वहां -8 टेम्परेचर था, तो जिस दिन हम गए उस दिन बर्फ ताजी ताजी पड़ रही थी और बिल्कुल ऐसी बर्फ थी कि आप उसे उठाओ और फेंक कर मार सकते हो, और उससे एक दिन पहले वो बर्फ एक तरह से सेटल हो गई थी। और उस दिन हमने वो जी भर के एक दूसरे को बर्फ से नहलाया, और मुझे लगता है कि सपने तो सच होते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सपने सच होते हैं और कितने लोगों को अपने सच करने हैं? देखो, सपने सच होते हैं अगर आप उन सपनों के लिए डटे रहो, अगर आप उन सपनों को पकड़ के आगे बढ़ते रहो तो सपने सच होते हैं। आज हम नोएडा में रहते हैं और हमारे पास 5,000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का इंडिपेंडेंट हाउस है। आज हम आज जिस तरह की भी चीज देखें, बेटी हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है, बेटा हमारा इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है, और मैं आज सोचता हूँ कि लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो। देखो, लाइफ में हर एक की चैलेंज होना जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू फेस द चैलेंज यू ग्रो। और जो नॉर्मल चैलेंजेस है ना, जो आम आदमी वाले चैलेंजेस है, आपको नहीं रहे चैलेंजेस और बेहतर हो गए जो हमें अपने आप से ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सोच। अदरवाइज नॉर्मल आदमी जितना करते हैं एमवे बिजनेस में, आप एक बार डायमंड चले जाओ तो आप आप खुद समझ जाओगे कि जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। कितने लोग चाहते हो जिंदगी एक धमाल जिंदगी, कितने लोग चाहते हो लाजवाब सुपर। आपको मैं बता रहा हूं, शायद हम बोलकर बता नहीं सकते, शायद हम कहकर दिखा नहीं सकते, शायद आप जाके ही समझ पाओगे। अगर आप चाहोगे आप समझ पाओगे। आप एक बार देखिएगा, आप यहां पर पार्थो नंदी मोजी को देख सकते हैं ना, सबसे बढ़िया है ना आपके लिए वो, आप देखिए उन्हें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज मैं और बोलूंगा, एक कॉम्बिनेशन है ड्रीम और मैसिव एक्शन का। जो ड्रीम देख सकता है और उसको पाने के लिए मैसिव एक्शन कर सकता है, वो इस बिजनेस में कुछ भी पा सकता है। शेख चिल्ली में और नॉर्मल ड्रीमर में क्या फर्क होता है? शेख चिल्ली ने ड्रीम लिया था लेकिन मैसिव एक्शन नहीं डाला था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। उसका नाम शेख चिल्ली पड़ा और लोग हंसने लगे उस पर। जब आप कोई ड्रीम देखेंगे तो लोग आपको शेख चिल्ली की तरह सोचेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता उस ड्रीम के लिए आप मैसिव एक्शन डालने के लिए तैयार हो। बट इफ यू आर रेडी टू पुट मैसिव एक्शन, कोई ड्रीम ऐसा नहीं होगा जो आप हासिल नहीं कर सकते। आपका दिल और दिमाग जिस चीज पे कन्विंस हो गया, वो चीज आपके कदमों में होगी। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, आई थिंक एवरीथिंग इज फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जबरदस्त विजन देने के लिए, जबरदस्त मोटिवेशन और जबरदस्त मार्गदर्शन। यहाँ पे ना एक बात मैं बताऊंगा राकेश जी, और हम लोग अभी वो दुबई की बात कर रही थी तो मुझे याद आ गया, दुबई में हम लोग एक ही टेबल पे बैठे थे, सुमित जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, और वहाँ बिल्कुल कॉन्टिनेंटल खाना चल रहा था। वो अजीबोगरीब स्टाइल में पहले ड्रिंक्स दिया, ये दिया, खाना दिया और थोड़ा थोड़ा जो भी दिया, तो वो हम लोग खा गए। और उसके बाद मेरा डाइट थोड़ा कम है तो पेट भर गया, तो राकेश जी उनसे पूछने लगे, वो सब हिंदी में ही बात कर रहे थे कि भैया मेन कोर्स कब आएगा, तो उसने बड़े भोले मन से जवाब दिया, खाना तो हो चुका है। और वो उसके लिए 1,00,000 रुपए पेमेंट हुआ था। यस 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 यस, इम्पोर्टेंट चीज ये कि उस टेबल की कीमत 1,00,000 से ऊपर थी। That was enough. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप लोग ने और बहुत जबरदस्त एक motivation दिया और awesome talk. Thank you.